नमस्कार एंड जय हिंद दोस्तों, और स्वागत करता हूं मैं आप सभी को नॉर्थ ईस्ट इंडिया के यूट्यूब चैनल पे। और मैं आज आप सभी को एक बहुत ही यूनिक स्टोरी बताने वाला हूं नॉर्थ ईस्ट का एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के नाम के ऊपर। कैसे उस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का नाम रखा गया था, ये बहुत ही एक यूनिक स्टोरी है और आपको बहुत कुछ उसके साथ जानने को मिलेगा नॉर्थ ईस्ट इंडिया के ऊपर। हम सभी को पता है, हम लोग जो फॉरेस्ट या फिर रिवर्स ये सब देखते हैं उसका भी नाम रखा गया था, और बहुत ही यूनिक तरीके से इन फॉरेस्ट इन नदियों का नाम रखा जाता है। लेकिन कभी कभी ये स्टोरी और भी ज़्यादा यूनिक हो जाती है जब चारों तरफ एक सिविल वार जैसा सिचुएशन चल रहा होता है और उसी को मद्देनज़र रखते हुए एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का नाम रखा जाता है। सो ये स्टोरी बहुत ही यूनिक है और ये स्टोरी आप लोगों को बहुत ही अच्छी लगेगी। हम सभी को पता है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम कैसे रखा गया था, जिम कॉर्बेट के ऊपर में, जो उत्तराखंड में स्थित है। फिर मौलाई फॉरेस्ट, मौलाई फॉरेस्ट मतलब वो फॉरेस्ट जो इंडिया का फॉरेस्ट मैन यादव मौलाई पायेंग ने खुद अपने हाथों से बोया था, और वो फॉरेस्ट आसाम में आपको देखने को मिलेगा, और उन्हीं के नाम के ऊपर रखा गया है मौलाई फॉरेस्ट। फिर आपको देखने को मिलेगा सलीम अली बर्ड सेंचुरी जो गोवा में है, जो हमारे फेमस सलीम अली बर्ड्स के जो रिसर्चर है उनके ऊपर में रखा गया है। ठीक उसी तरह से हम लोग जिस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के ऊपर में बात करने जा रहे हैं उसका नाम है ईगल नेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और ये आपको मिलेगा अरुणाचल प्रदेश में। इस सेंचुरी में आप लोग को बहुत सारे बर्ड्स तो देखने को मिलेंगे लेकिन ईगल्स नहीं मिलेंगे, फिर भी इसका नाम है ईगल नेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। क्यों, कैसे, कहां से आया ये नाम, किसने रखा, सब जानेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। हम सभी को पता ही है अरुणाचल प्रदेश में बहुत सारे ट्राइब्स रहते हैं, और ये जो ईगल नेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है इसके चारों तरफ भी बहुत सारे ट्राइब्स रहते थे, और अगर मैं प्रेजेंट डे का भी बात करूँ तो अभी भी रहते हैं। जैसे शेरदुखपेन, बागून, मोनपा, ये तीनों ट्राइब्स ये ईगल नेस्ट सेंचुरी के इर्द गिर्द रहते हैं अभी भी। तो हम लोग अभी 50 से 60 साल पीछे चलते हैं 1962 के वार के तरफ, जब इंडिया और चाइना बराबर के टक्कर में थे और इंडिया को बहुत लॉसेस झेलना पड़ा था। और तब इंडियन आर्मी का ही एक बैटालियन, और स्पेसिफिकली अगर मैं कहना चाहूँ तो 4th इन्फेंट्री बैटालियन, जिसको डिप्लॉय किया गया था उसी एरिया में। और अगर आप लोग मैप में ये एरिया को देखना चाहोगे तो आपको पता चलेगा ये पूरी तरह से घिरा हुआ है इंटरनेशनल बॉर्डर्स के साथ। जैसे कि ये ईगल नेस्ट सेंचुरी के ईस्ट की तरफ है भूटान, ऊपर की तरफ है तवांग जहाँ पे क्लैशेस हुए थे 1962 के वार के, और नीचे की तरफ है असम। सो 1962 के वार के टाइम जब भीषण युद्ध चल रहा था इंडिया और चाइना के बीच में, तब जब 4th इन्फेंट्री बैटालियन को इंडियन आर्मी का उसको डिप्लॉय किया गया था उस एरिया के अंदर, तब वहाँ के नेटिव ट्राइब्स बहुत छुपे हुए थे, बहुत डरे हुए थे। और आप लोगों को पता ही है वहाँ के ट्राइब्स बांस, जो हम लोग बैम्बू कहते हैं, उसी से घर बनाते हैं, छोटे छोटे हट्स बना के उसी के अंदर ही रहते हैं वो ट्राइब्स। तो ये सब डरे सहमे से ट्राइब्स जब इंडियन आर्मी के लोगों को देखते थे तब उन लोगों को एक राहत की सांसें मिलती थी कि हम लोग चलो सेफ है अभी यहाँ पे, क्योंकि इंडियन आर्मी का वो बैटालियन 4th इन्फेंट्री बैटालियन वहाँ पे डिप्लॉय किया गया था और वो लोग वहाँ पे पूरी तरह से सर्वेलेंस कर रहे थे। तो उन लोगों को देखने के बाद वहाँ के जो नेटिव ट्राइब्स है जैसे मोनपा, बागून और शेरदुखपेन, इन लोगों ने इस एरिया का नाम ईगल नेस्ट रख दिया। क्यों रख दिया ईगल नेस्ट, क्योंकि जो 4th इन्फेंट्री बैटालियन है इंडियन आर्मी का, उन लोगों के शोल्डर्स के ऊपर जो स्टाम्प था वो एक ईगल का था। वो जो ट्राइब्स उन लोगों को अपने छोटे छोटे घर से झांक के देखते थे कि कौन आ रहा है, कौन हम लोगों को सुरक्षा दे रहा है, तब उन लोगों को पता चलता था कि कुछ लोग हैं जो बंदूक लेके घूम रहे हैं और उनके शोल्डर्स पे एक ईगल का साइन है, और वो ही है प्रोटेक्टर जो उन लोगों को बचा रहा है दुश्मन देशों से। सो उसको देखते हुए उन लोगों ने रख दिया ईगल नेस्ट। नेस्ट मतलब घर, और ईगल मतलब जो लोग जो सुरक्षा दे रहे होंगे उन लोगों को। तो ये एक बहुत ही अनोखा स्टोरी है, क्योंकि जो 4th इन्फेंट्री बैटालियन था उसको रेड ईगल डिवीजन भी कहा जाता था। तो उन लोगों के यूनिफॉर्म के शोल्डर्स के ऊपर में एक ईगल का इंसिग्निया लगा हुआ रहता था, तो उसी को देख के वहाँ के ट्राइबल लोग पहचानते थे कि नहीं, यही है जो हम लोग को सुरक्षा देगा। और 1989 में इसी एरिया को एज ए रिजर्व फॉरेस्ट, इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जब कन्वर्ट किया गया तब उसका नाम रख दिया गया था ईगल नेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और ये जो ईगल नेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये एक बहुत ही पॉपुलर बर्ड के लिए भी फेमस है, जो बर्ड अभी विलुप्त होने की कगार पे है, क्योंकि इसका स्पीसीज बहुत ही कम बचा हुआ है, और इसका नाम है बागून लोयचिला। बागून मतलब जो ट्राइब है वहाँ के, उन लोगों के ऊपर में ही इस बर्ड का नाम रख दिया गया है, और ये बहुत ही क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज में आता है अभी। सो आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। ये एक छोटा सा यूनिक स्टोरी था, मैंने आपको बताया था कि मैं बहुत सारी यूनिक स्टोरीज के साथ में आऊँगा इस बार नॉर्थ ईस्ट इंडिया के ऊपर में, बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ में आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा इस वीडियोस के अंदर में। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, और बेल आइकॉन बजाना मत भूलिएगा ताकि नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे।
सो थैंक यू फॉर मेकिंग मी पार्ट ऑफ योर डे. हैप्पी लर्निंग. गॉड ब्लेस यू ऑल. थैंक यू.